ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का घमंड है दोस्तों, मैं भारत का और भारत मेरा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसलिए भारत महान है पार्ट टू की। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वीडियो एंड होने के बाद जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक, यूं तो भारत करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बसता है, लेकिन भारत की उम्र का एक छोटा सा अनुमान मैं आपको दिए देता हूँ। पावन गंगा नदी के घाट पर स्थित है वाराणसी शहर, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुँचते हैं। बनारस यानी वाराणसी का अस्तित्व 3000 साल पुराना है, जिसे दुनिया का सबसे पहला और लोगों द्वारा बसाए जाने वाला शहर माना जाता है, और कहा जाता है कि इसे हिंदू देवता भोलेनाथ ने 5000 साल पहले इसकी खोज कर ढूंढा था। जय शिव शंभु भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार। नंबर दो, दोस्तों भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यूं ही नहीं कहा जाता, हमें यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम करने की निष्ठा को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का सबसे सम्मानित मतदाता यानी वोटर महंत भारत दास, जो कि गिर फॉरेस्ट गुजरात के एक छोटे से गांव के निवासी हैं, जिनके सिर्फ एक मत यानी वोट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पोलिंग बूथ लगाया जाता है। सिर्फ एक नागरिक के लिए पोलिंग बूथ, भारत तुझे सलाम है। नंबर तीन, बड़े शहरों में रहने वाले गांव की धूल मिट्टी को किस नजरिए से देखते हैं, यह किसी से छिपा नहीं, लेकिन एक गांव इन शहरियों को उनकी सही हैसियत दिखाता है। मधोपति, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, इस गांव ने दिए हैं भारत को सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स। मधोपति के 75 घरों ने कुल 47 IAS ऑफिसर्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं, ना कि सिर्फ IAS बल्कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े पदों पर अपना योगदान दे चुके हैं यहाँ के युवा। इनका स्टडी स्केड्यूल तो पक्का एक रहस्य होगा, जानना पड़ेगा। नंबर चार, दोस्तों क्या आप शाकाहारी हो, तो यह पार्ट आपके लिए है। भारत में सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं हिंदू, जिनमें से 29-40% लोग वेजिटेरियंस हैं, जो कि भारत को सबसे बड़ा वेजिटेरियंस का देश बनाता है। सिर्फ यही नहीं, पार्ट नंबर 9 देखकर आपका सीना गर्व से मोदी जी जितना 56 इंच का हो जाएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। नंबर 5, जब बात आती है सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा की यानी अंग्रेजी, दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले स्पीकर्स में शुमार है, जिनमें केवल 10% लोग ही मक्खन यानी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, और यह आंकड़े आने वाले 10 सालों में 4 गुना बढ़ जाएंगे। इसे कहते हैं भारत को कम आंकने वालों के गाल पर चांटा। नंबर 6, दोस्तों ऊंचाई से डर किसे नहीं लगता, लेकिन यह खुशखबरी बहुत ऊंचाई से आई है, जिसे जानकर आपको डर नहीं बल्कि गर्व महसूस होगा, क्योंकि कुंभ मेला जो हिंदुओं के लिए 12 साल में एक बार आने वाला आध्यात्मिक उत्सव है, जो इतना विशाल होता है कि 70 लाख से भी ज्यादा भक्तों की आस्था का जमावड़ा अंतरिक्ष से कुंभ मेले के दौरान देखा जा सकता है, मुझे तो इतनी भीड़ में चक्कर आ जाएं। आपका क्या ख्याल है? नंबर 7, दोस्तों क्या आपने एक जगह पर इतना स्टील देखा है जो पूरी दुनिया को एक साथ घेर ले? आपका जवाब शायद ना होगा, लेकिन भारत के बांद्रा वोरली सी लिंक में इतना स्टील लगाया गया है कि हमारे पूरे अर्थ प्लेनेट को एक साथ घेर सकता है। इस ब्रिज की एक स्टील वायर लगभग 900 टन तक का वजन संभाल सकती है, और पूरे विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर का वजन लगभग 50,000 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है। क्या आप इसके बारे में जानते थे, हाँ या ना, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नंबर 8, दोस्तों अगर मैं बेनी प्रसाद नामक शख्स का नाम लूं, तो क्या आप इन्हें जानते हैं?
ज्यादातर का जवाब ना होगा, लेकिन बेनी प्रसाद वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले बोंगो गिटार नामक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया था। और यही नहीं, पूरी दुनिया के 257 देशों को 6 साल 6 महीने और 22 दिन में घूमकर आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस भारतीय के नाम है। दोस्तों, इस शख्स को तो सलाम बनता है। नंबर 9, जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों, आपने यूं तो लाखों अस्पतालों के नाम सुने होंगे, लेकिन रेल की पटरी पर दौड़ता अस्पताल देखा है? आपका जवाब शायद ना होगा, लेकिन जीवन रेखा एक्सप्रेस एकमात्र दुनिया की ऐसी ट्रेन है जिसे हॉस्पिटल ट्रेन का दर्जा हासिल है, जिसमें सर्जरी से लेकर कैंसर तक का इलाज छोटे छोटे गाँव तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों, आपको भारत की इस ट्रेन पर गर्व तो बहुत होगा, लेकिन इसकी खूबी के चलते आप इसमें कभी सफर नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, भारत का गुणगान करते करते कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत एक महान देश है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूं, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुशामदीद।